ये लीजिए चाय, शक्कर देखिए, ठीक है? बैठो। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज नहीं लगती हूँ क्या? भाई रोज देखने का मौका कहाँ मिलता है? क्यों? तुम्हारा बेटा मौका ही नहीं देता। अच्छा अच्छा, मेरा बेटा? हाँ तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा, मेरा हमारा बेटा बेटर। अरे रोने लगा। अरे अरे अरे, आ गई आ गई, अनीश की मम्मा आ गई आ गई आ गई आ गई। ओले ओले ओले, ओ चुपी को ओ चुप। दूध लाता हूँ, शरीर से भूख लगी। हाँ किचन में रखा है, बोतल अच्छे से साफ कर। अरे अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेबी, चुप हो जा। आ जा आ जा इधर आ जा, मम्मा की गोदी आ जा। मम्मी की गोद में आ जा, चुप हो जा, मम्मी की गोद में सो जा। ये देखो, ये ले 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 ले, जल्दी दूध पी लो, पापा बेटे के लिए दूध लेके आए। आहा सो जा बेटा, सो जा मेरा बेटा। हमारा बेटा। अच्छा सुनो, धीरे सो रहा है ना। अच्छा अनीश को कल मैटरनिटी हॉस्पिटल लेके जाना है ना? कल अनीश के पोलियो के डोज की डेट है। लेकिन अनीश के डैडी, तुम अभी से इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? कल आने में अभी 24 घंटे बाकी हैं। अभी ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऑफिस? ओह माय गॉड, आई एम ऑलरेडी लेट। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा बाय बाय अनीश। के बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग दीना। सर आपका बेटा कैसा है? वो इज एब्सोल्युटली फाइन, बस थोड़ा सा शैतान हो गया। सर बच्चों की शैतानी भी अच्छी लगती है। सर फिलहाल आप ये लेटर देख लीजिए। ओके। अरे दीना रुको 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 रुको, बैठो। ये चेतन इंटरनेशनल को एक अर्जेंट फैक्स डिटेक्ट करना है, मैं करता हूँ डिटेक्ट। देखो टू द मैनेजर, वन सेकेंड। हेलो, हाँ अमिता, अनीश क्या कर रहा है? सो गया? उसने दूध पिया ना? नहीं बाबा, ऑफिस का काम ही कर रहा हूँ, फोन पर नहीं टेबल पर। अच्छा ठीक, ओके बाय। हाँ देवजाय, कितने दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में बड़ों के अज्ञान और अंधविश्वास के कारण कितने मासूम बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। वैसे तो कई बीमारियां हैं जिन्हें टीकों की सहायता से टाला जा सकता है, तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। देवी माँ को भी दूसरी बीमारियों की तरह बीमारी ही है। कितने दुख की। हेलो, अब क्या है? अनीश सो रहा है और मैं ममता का आंगन सीरियल देख रही हूँ। क्या डॉक्टर गुप्ता से अपॉइंटमेंट मिल गया है? अतुल, ये बात तो मुझे घर आकर भी तो बता सकते थे ना। अतुल प्लीज, अब थोड़ी देर तुम ऑफिस का काम कर लो, मुझे सीरियल देखने दो। ओके बाय बाय। मिस हो गया। अनीश उठ गया। वेरी गुड, गुड बॉय। इसी तरह से इसका ख्याल रखिएगा। हाँ ये डोजेस बहुत जरूरी हैं इसके लिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये डोजेस टाइम से दी जाए। जी डॉक्टर। ओके थैंक यू सो मच। चलो 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 घर चलें। हेलो हेलो हेलो, मैंने कैसी नहीं पहचान होगी, हमारे बच्चों ने तो जान पहचान करवाई है। दोनों एक ही मुहूर्त में तो पैदा हुए। देखो एक दूसरे को पहचान भी रहे। चलो चलते हैं। नमस्ते बाय। चलो 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 चलो।
दूध वाला साहेब, आज आप ही पहले उठ गए साहेब। उठना क्या है राम गोपाल, उठना पड़ा। क्या बात कर दो, दीदी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और अनीश बाबा? आपके अनीश बाबा सो रहे हैं। बहुत दिन हो गए बिटुआ को देखे, एक हमारा आने का टाइम है और बिटुआ का सोने का टाइम। तुम्हारे अनीश बाबा का कोई सोने का टाइम नहीं है राम गोपाल, बहुत शैतान हो गया वो। रात भर हमको जगाता है और दिन भर खुद सोता रहता है। बच्चा तो मनमौजी राजा होता है साहिब, सब उसकी गुलामी करता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। वेयर इज माय लिटिल फ्रेंड? सोकर नहीं उठा क्या? नहीं अंकल, अभी नहीं उठा है। जब उठेगा ना तो जोर से अलार्म बजाएगा। यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। हेल्दी बच्चा सिर्फ भूख लगने पर ही सायरन बजाता है, वरना वो खेलता रहता है। दैट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ना अंकल। दैट्स राइट, ऑफ कोर्स इस बूढ़े के। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। आप अपने आप को बूढ़ा नहीं कह सकते। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी अंकल। बिस्किट? हाँ अमिता बेटी, दरअसल मैं चाय पीने के बहाने अनीश से ही मिलने आता हूँ। पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे। अरे आ गए पापा, अनीश चलो बेटा दूध पी लो। चलो नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं, पकड़ो 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 पकड़ो, मम्मी अनीश को पकड़ लेगी। कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया, ये पकड़ लिया। आजा 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 बाहर आजा, चलो बैठो। गुड। चल दूध पी लो, गुड बॉय। अच्छा नहीं पियोगे तो मैं पी जाऊंगी, जल्दी से पी लो। पी लो। पी लो ठीक है, पी लो। पी लो। मैं पी लूंगी तो मैं गुड गर्ल बन जाऊंगी। तुम तो गर्ल नहीं हो, तुम तो मम्मी हो। ठीक है तो मैं दूध पी के गुड मम्मी बन जाऊंगी। पता है सब क्या कहेंगे? कहेंगे अनीश को देखो बैड बॉय। नहीं मैं गुड बॉय हूँ। गुड बॉय हो तो दूध पी लो। पहला गुड बॉय बोलो। पहले दूध पियो। पियो राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, शाबाश। अब घुमाने ले चलो। बेटा पापा आएंगे तो हम तीनों घूमने चलेंगे, ठीक? फिनिश कर। अनीश, अनीश, अनीश बेटा साथ चलो। अनीश तुम्हारा बेटा ना, देखो अनीश गिर जाएगा बेटा। साथ चलो। अनीश, 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 मम्मी को परेशान मत करो बेटा। अनीश, अनीश, अनीश,
क्या अनीश अनीश क्या चिल्ला रही हो तुम यार? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से कैसे हुआ? अरे यार यही लाड प्यार का नतीजा तुम्हारा सच्ची। एक तो वो मिल नहीं रहा है, मैं वैसे परेशान हूं, मुझे उसका हाथ नहीं पकड़ सकती क्या? मेरे हाथ में पूजा की थाली जो थी। अच्छा अच्छा रो मत, तुम रो मत, देखो कोई पॉइंट नहीं है, प्लीज ढूंढो ना उसे। हां हां ढूंढते, साथ में ढूंढते, एक काम करो अनीश, इधर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम उस तरफ जाओ, मैं यहां से देखता हूं। ओके अनीश, अनीश अनीश बेटा कहां हो? अनीश देखो मम्मी बुला रही है। अनीश पता लगा नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर, कितना ढूंढा मिल ही नहीं रहा है। इतना भावुक मत हो, मुझे लगता है यही कहीं छुपा होगा। अमिता रिलैक्स, तुम हम नीचे की तरफ ढूंढते हैं, आओ रो मत, प्लीज प्लीज रो मत। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। आप तुमने ऑरेंज टी शर्ट पहने किसी बच्चे को देखा? वो संतरे के रंग की, नारंगी रंग की। अच्छा भाई एक ऑरेंज टी शर्ट पहने हुए छोटे बच्चे को देखा है क्या? संतरे के रंग की। वो देखो अनीश, अनीश पकड़ना इस आदमी, अनीश 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 क्या कर रहे थे तुम? कितने परेशान हो रहे, ढूंढ के क्या जरूरत थी कहीं जाने की? पता नहीं कितने परेशान हो रहे थे, पता नहीं मम्मी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। बेटा कहाँ जा? मम्मी को छोड़ के मर जाए। जब शेर शिकार करने के लिए जाता था तो ढेर सारे जानवर मार देता था, फिर सब जानवरों ने मिलकर शेर से विनती की। क्या विनती की? रोज जानवर शेर के पास जाएगा और शेर से खा जाएगा, फिर शिकार नहीं करेगा। वेरी गुड, सब तो पता है अनीश को, फिर क्यों पूछ रहा था? मुझे नींद आ रही है। नींद आई है? आ जाओ आ जाओ सो जाओ, मम्मी की गोदी में सो जाओ। इसको इधर रखो। कल सुनोगे ना? हाँ कहानी कल सुन लेना। प्रॉमिस प्रॉमिस सुनाओगे ना? हाँ सुनाऊंगी बेटा सुनाऊंगी, सो जा आइज बन, सो जा। सो गया क्या? सो रहा है। अगले महीने अनीश 5 साल का हो जाए। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वक्त तो ऐसे ही बीतता है ना मिता, कल कोई और बड़ा हो जाएगा फिर भी तुम यही कहो। साल गिनने की फुर्सत किसे है, इसके साथ तो वक्त ऐसे बीतता है कि ध्यान में कुछ और रहता ही नहीं। अच्छा मैं भी नहीं। अक्स और आईना अलग है क्या? दूध वाला। राम राम, जय राम जी की अनीश बबुआ। भैया हमारा तो दिन सुधर गया आज। आई जय राम जी की। मेरे से पतीला छीन लिया ये कहकर कि मैं दूध लाऊंगा। हाँ मैं दूध लाऊंगा, तुम जाओ। बेटा तुम दूध ले लो, पापा लेकर जाएंगे। नहीं मैं लेकर जाऊंगा। देखा कैसे हुक्म चलाता है। अच्छा संभाल कर लाना, गिराना नहीं। नहीं गिराऊंगा। लाओ बबुआ लाओ। अच्छा मुझे बताओ बेटुआ, तुम रोज दूध पीते हो ना? हाँ पीता हूँ ना। रोज दूध पीना, दूध पीने से आयसन ताकत आती है। दूध वाला अंकल आपके पास गाय है? हाँ है। गाय दूध देती है? बराबर देती है। फिर बैल क्यों नहीं देता है? हाँ? बताओ ना दूध वाला अंकल। अब क्या बताए बबुआ, इसका जवाब तो हमारे बाप के पास भी नहीं।
ये संभाल कर ले जाना, कल बताते हैं बेटुआ, कल बता, संभाल कर ले जाना। आ धीरे धीरे गिराना नहीं। बैल दूध क्यों नहीं देता है? ये गुड बॉय के लिए दूध, इसे दूध पिलाने के लिए मुझे लगा कसरत करनी पड़ेगी। वेरी गुड, आज तो मेरा बेटा सचमुच गुड बॉय बन गया। तो बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, तुमने सिखाया? मैं इतनी अच्छी बात सिखाऊंगा? बेटा मम्मी सिखाती है तो समझ में नहीं आता, और पापा ने सिखाया तो गटागट दूध पी गया। दूध पिया तो ताकत आएगी। अरे वाह, किसने सिखाया? दूध वाले अंकल ने। दूध वाले अंकल ने? भाई दूध वाले अंकल की बात याद रखना, भला और राम को पाल रहा है। चलो स्कूल जाने के लिए तैयार हो। मैं चलता हूँ। ओके बाय। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बेटा तेरे स्कूल को अभी भी वक्त है, लेकिन मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुझे मम्मी छोड़ाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा स्कूल। मैं तुझे शाम को अपने साथ ले जाऊंगा और आइसक्रीम खिलाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बाय। चलो बाय। आजा दूध फिनिश कर। गुड बॉय, वेरी गुड। दोनों में पक्की दोस्ती है, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, दोस्ती तो होगी। अनीश तो बस दिन भर बिनी बिनी करता रहता है। अच्छा, बिनी भी दिन भर अनीश अनीश करती रहती है। अच्छा, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? नहीं, इलाज तो जारी है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं अभी तक। सोचती हूँ दो चार दिन वहाँ चल के देखूँ। हाँ आप ठीक सोच रही हैं, वैसे मैं आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ की फिक्र मत कीजिए, जब मन करे चली जाइए, मैं हूँ ना। आप है तो कोई फिक्र नहीं। पता है मेरा बर्थडे आ रहा है। कब आ रहा है तेरा बर्थडे? बच्चे के दिन। तेरा बर्थडे कब आ रहा है? बर्थडे के दिन। मेरा बर्थडे पे आना है? आऊंगी, तू भी मेरे बर्थडे पे आना। आऊंगा। ये आ गए। हेलो अमिताभ, मुझे अचानक याद आया कि अनीश के पोलियो की आखिरी डोज की डेट आने वाली है, तुम्हें याद है कब है? दो दिन बाद, परसों। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर गुप्ता से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके बाय। बाय। पापा का फोन था। कहाँ जा रहे हो अनीश? टॉमी को रोटी देने को। अरे टॉमी को? देखा, टॉमी मेरी बात मानता है। टॉमी मेरी भी बात मानता है, लेकिन टॉमी मेरा फ्रेंड है। टॉमी मेरा भी फ्रेंड है। टॉमी कम हियर। देखा टॉमी कम? क्या देखा? टॉमी भी दादाजी का दोस्त है। दादाजी, टॉमी किसका दोस्त है, मेरा या बिन्नी का? पहले ये बताओ कि बिन्नी आपकी कौन है? फ्रेंड। हाँ, और बिन्नी आप ये बताओ कि अनीश आपका कौन है? फ्रेंड। तो फिर जब आप दोनों फ्रेंड हैं तो टॉमी भी आपका फ्रेंड हुआ कि नहीं? हाँ। तो बस टॉमी को प्यार करो, आप सब लोग साथ में खेलो। नमस्ते भाभी। दीपाली, मैं तुमसे कह रहा था ना कि आज फिर मुलाकात का चांस है। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। एक बात है, ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ना, सिर्फ मैटरनिटी होम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें इसे एक्सटेंड भी करना चाहिए। आप इसमें सोचने की क्या बात है, आप अंदर जाकर आइए, हम आपका इंतजार करते हैं, साथ में हमारे घर चलते हैं। पहले आप लोग हमारे आएंगे। बिल्कुल। अच्छा एक काम करते हैं, 9 तारीख को अनीश का बर्थडे, आप लोग जरूर आइए। अतुल साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि 9 तारीख को
हमारे दीपक का भी बर्थडे है। फिर तो आप लोग माफी दीजिएगा। चलिए कभी और सही। जरूर मिलते रहेंगे। बाय बेटा। अनीश हेलो करो। हेलो हेलो चलो चलो आ जा बेटा। अरे अरे कितना दूध दे रहे हैं? ये 2 लीटर आपका रोज का और 2 लीटर हमरी ओर से। किस लिए? आज अनीश बाबा का जन्मदिन जो है, हमरी ओर से 2 लीटर दे दूं उनको भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दूध वाला अंकल। हेलो बबुआ, कैसन हो? जन्मदिन मुबारक हो। बहुत पढ़ो, जल्दी बड़े हो जाओ, बहुत तरक्की करो। और वो का कहता है इसी वक्त पे? हाँ, हैप्पी बर्थडे अनीश बबुआ। दूध वाले अंकल, वो बड़े दूध क्यों नहीं देते? हाँ? बाय बाय अंकल। और किसका बर्थडे है? क्या लाने जा रहे हैं? किसके लिए? अनीश के लिए। अनीश का हैप्पी बर्थडे है। गुड बॉय, गुड बॉय। देखो 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 देखो, दिखाओ दिखाओ चेहरा दिखाओ। अंकल, ये बलून कहाँ लगाऊं? हाँ चलिए थोड़ी देर चाय के लिए ब्रेक कर ले। अरे भाई पहले काम पूरा कर ले, उसके बाद इत्मीनान से बैठकर चाय पियेंगे। तब तक अनीश और उसके पापा भी आ जाएंगे। उन दोनों का तो कोई भरोसा नहीं है। दोनों बाप बेटे एक साथ निकले हैं, वक्त का तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। और वैसे भी आज तो अनीश का बर्थडे है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही तो तैयारियां हैं ताकि उसको एक सरप्राइज दी जाए। किसका बर्थडे केक आ गया? अनीश का बर्थडे केक आ गया। आज अनीश का हैप्पी बर्थडे है। अनीश अनीश अनीश, सब काम नियरली पूरे हो गए हैं। अब चाय पी जाए। चाय दे दूं पापा? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तुमने म्यूजिक का इंतजाम कर रखा है कि नहीं कर रखा है? हाँ, पूरा इंतजाम हो गया। वेरी गुड। गुड इवनिंग। नहीं क्यों, इतना चीज बर्थडे है तो। ये लीजिए पापा, आपकी चाय। अरे अमिता बेटी, फोन देखो किसका। जी अंकल, देख रही हूँ। हेलो, क्या वो ठीक तो है ना? देखिए आप प्लीज पहले बताइए, वो ठीक तो है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ बेटी? अभी तो बेटी क्या हुआ? अंकल, अंकल अनीश का एक्सीडेंट हो गया। क्या?